कहाँ से आए हो? जिला छिंदवाड़ा एमपी, छिंदवाड़ा एमपी से आए, सिंगोली, सिंगोली से आए। पहली बार आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने अपनी समस्या किसी को बताई यहाँ? नहीं। कोई पर्ची काटने वाले हैं किसी ने पूछा? नहीं। आपसे किसी ने पूर्व कोई जानकारी लेके रखी? नहीं। क्या समस्या लेके आए? हनुमान जी सुनाई और राम जी दरबार में सब लोग सुन रहे हैं। पास आई थोड़ा सा। मेरे भैया छोटे ब्रदर को जी लीवर में कैंसर है। लीवर में कैंसर है जी जी। और कोई बात? गांठ भी है, हाँ? एक गठान भी है मतलब। जी जी जी। और कोई बात? और छोटा ब्रदर एक और है, वो परेशान रहते हैं। उसका नाम क्या? पवन राव सोनी। पढ़िए। उसका नाम क्या भैया का? भास्कर राव सोनी और पवन राव सोनी। पढ़िए जी। हमने लिखा है, पढ़िए जी। भास्कर राव सोनी, पिता का नाम बाबूलाल सोनी है जी। बोलो ऐसा नो जी। लीवर भास्कर राव का कैंसर है जी। लीव भास्कर राव को कैंसर है जी। पप्पू जी पर भी असर है नेत्र पर। आपको, आपका नाम क्या है? पप्पू राव सोनी। कृपा होगी, पिता का नाम बाबूलाल जी है जी। आपकी माँ का नाम सेवंती देवी है जी। आपके घर में खतरा तो भाई को भास्कर को दिख रहा है जी। शेष ईश्वर मालिक है, 2 वर्ष तक उनको इससे खतरा है, लेकिन परहेज करेंगे, गैस ना बनने दें, टाइम पे भोजन लें, थोड़ा आहार लें, हल्का आहार लें और तेल चिकनाई इत्यादि छोड़कर डॉक्टर को इलाज लें। मैं गारंटी देता हूं कि डॉक्टर की दवा और पंडों का सगा का आशीर्वाद फलीभूत होकर के आपको लाभ मिलेगा, 101% लाभ मिलेगा। बस आप कर्म करिएगा। बोल पंडोकर सरकार की। यदि आप करेंगे तो सफलता 101% प्राप्त होगी। ठीक है, हम जो मंत्र लिखते हैं, जो उपाय लिख रहे हैं, वह करना है आपको। बड़ा धाम जाना है, इसके बाद मैं लिखता हूं। सुनिए, हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था रखें। शेष ईश्वर मालिक है, शेष ईश्वर मालिक है, लेकिन 101% में कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 100% नहीं, 101%। यदि आप मेरे नियम से चल जाओगे तो दवा फलीभूत होगी और आशीर्वाद सामने दिख जाएगा।